हेलो दोस्तों दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 का वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, और हम लोग पढ़ रहे थे वृत्तों का क्षेत्रफल। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे वृत्तों का क्षेत्रफल। हम लोग आज की वीडियो नंबर क्या है, 13 है। इससे पहले वीडियो नंबर 12 तक हमने कम्प्लीट कर लिया है दोस्तों। वीडियो नंबर 13 में हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा था 12.3 प्रश्नावली, 12.3 चल रहा था, और इस प्रश्नावली में 7वां क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं और यहाँ पर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, आकृति में जब मैंने चित्र बना दिया, आकृति में ए बी सी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ठीक है। मतलब जो आपका अंदर ए बी सी डी जो आपका एक बना है, ये क्या है, वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर ए बी 14 सेंटीमीटर है तो बी सी भी और डी सी और ए डी ये भी 14 सेंटीमीटर ही रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर के हम पहले क्या करते हैं, भुजा का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, समझते हैं। दिया है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक भुजा वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अगर वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो आप बता सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। भुजा कितनी है हमारे पास है, 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, आप लोग स्क्वायर भी याद कर लीजिए, आप लोग यहाँ पर स्क्वायर भी याद कर लीजिए, 1 से लेकर 20 तक का याद कर लीजिएगा। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि ये आप तक जो देख रहे हो, ये यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया कितना है दोस्तों, पूरा एरिया कितना है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ तक बात सुनना भी चलिएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए बी सी और डी को, मतलब जो भुजा का पॉइंट है ए और बी सी और डी, इस भुजा के पॉइंट को केंद्र मानकर वृत्त खींचा गया है। अगर इसको केंद्र मान लो, पहला वृत्त ये खींच दिए हैं, इसको केंद्र मान लो, दूसरा वृत्त खींचा है, इसको केंद्र मान लिया, तीसरा इसको, मतलब चारों पॉइंट पे चार केंद्र मानकर चार वृत्त खींच दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। लिखा हुआ चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से, यहाँ पर लिखा हुआ में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मुझे इसका क्षेत्रफल, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना, जैसा कि मैंने यहाँ पर देखो डार्क कर दिया है, ठीक, लाइने खींच दी है। तो दोस्तों क्या अगर इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ, तो अगर मैं एक चीज आपसे कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक मैं इसको मिटा दूँ दोस्तों, इसको देखिएगा मिटा दूँ, इसका कोई काम नहीं रहेगा, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूंगा, जब कोई काम नहीं है, मैं अगर मिटा दूं दोस्तों, तो मुझे बताओ कुछ आपकी जो आकृति होगी कुछ इस शेप में बन जाएगी। तो अभी हमने वर्ग का क्षेत्रफल तो निकाला ही है, तो यहाँ से ये वाली लाइन में देखो, यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, ये कल भी बताया था कि ये क्या है, एक व्रत का चौथा भाग है। एक व्रत का भाई, व्रत का अगर व्रत ये है, तो इसका हम चार भाग करें तो चौथा भाग कुछ ऐसे ही तो बनता है दोस्तों, कुछ ऐसे ही बन जाता है। तो सेम टू सेम वैसे तो बना हुआ है, और मैंने कहा था कल भी कि अगर एक चौथे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। इसका मतलब कि अगर हम चार चतुर्थांश को कहीं से ले आए और उसको एक साथ जोड़ें, तो एक वृत्त तैयार हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास चतुर्थांश कितने, एक है, दो है, तीन है, चार है। अगर मैं चार चतुर्थांश की बात करूं, तो अगर इसका एरिया निकालना होगा, पहले मेरी बात समझ लो, एक चतुर्थांश का जो एरिया होता है, जो एरिया होता है, समझा रहा हूँ इसको, लिखना है, ठीक है। कितना होता है, 1/4
पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एक चतुर्थांश का एरिया, एक चतुर्थांश का एरिया या क्षेत्रफल कितना होता है, एक बटे चार पाई आर स्क्वायर होता है। हमने कहा था कि अगर चार चतुर्थांश को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल एक वृत्त बन जाता है। ये बात समझ लीजिएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं एक लिखा का एरिया बोलूं तो एक का कितना होता है, चार से चार से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार से चार कट जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो आपका यहाँ से भी आ गया है। तो ये है क्या, ये किसका एरिया है बताओ, तो बोलो सर ये वृत्त का एरिया है, वृत्त का क्षेत्रफल है। कभी भी याद रखिएगा क्वेश्चन में, कभी भी याद रखिएगा क्वेश्चन में हमारे पास चतुर्थांश का एरिया निकालना है और कितने चतुर्थांश का एरिया निकालना है, चार। तो लिखोगे चार चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर एक वृत्त का क्षेत्रफल, ये लिखोगे। तो यहाँ पे लिखोगे चार चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहां तक तो आपको पता है, चलिए यहां तक आपको पता है, आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखिएगा ए बी आपका कितना दिया गया था दोस्तों, 14 सेंटीमीटर, यहां तक ए बी आपका कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा, ए बी आपका कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा दोस्तों, ए बी आपका कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। यहां तक बात क्लियर हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो क्वेश्चन में बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी 14 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये आपका एक यहाँ पर पॉइंट है जो कि बराबर भागों में बांट रहा है, तो 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा दोस्तों, 7 सेंटीमीटर भी हो जाए। इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा। तो 20 से जब ये लाइन आप देखे हो, ये लाइन देख रहे हो, ये क्या है, ये आपका एक वृत्त की त्रिज्या है, एक भाई वृत्त आपने मैंने कंप्लीट बनाया था दोस्तों, देखिए वृत्त, तो सेंटर से ये वाली लाइन को वृत्त बोलेंगे, तो 7 सेंटीमीटर का हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना, 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, 7 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 22 बटे 7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 लिख दो, क्लियर हो गया। 49 भी लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है, 7 इंटू 7 मैंने लिख दिया है, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, बचेगा 22 इंटू 7, और 22 को जब 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 154 आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आप डाउट मत रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने अपने हाथ से बनाया तो ऊपर नीचे पॉइंट हो गया है, लेकिन क्वेश्चन में ठीक ठीक कह रहा है कि जो आपका केंद्र मान भी वृत्त ये खींचोगे और वृत्त सारे क्या है, बराबर है, तो जब एक दूसरे से टच करेंगे तो उस लाइन को दो बराबर भागों में बांट देंगे, ठीक है, ये बात समझिएगा। पूरा कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो 7 और 7 में बांट देगा, तो जो 7 होगा वो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, तो ठीक है, तो कितना आ गया, 154 आ गया। तो चाहे एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 आ जाएगा, आपका चार चतुर्थांश को अलग अलग निकालो तब भी 154 आएगा। तो याद रखिएगा कि चार चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, एक वृत्त के बराबर होता है। तो मैंने इतने शॉर्ट पॉइंट में हमने कर लिया है, ठीक है, आप अलग अलग करोगे तो थोड़ा लेंदी चला जाएगा, समय भी नष्ट हो जाएगा, तो आप ऐसे ही करिएगा। अब हमें देखिएगा पूरा क्षेत्रफल कितना है, पूरा क्षेत्रफल 196 है, और टुकड़े टुकड़े जो चतुर्थांश है इनका क्षेत्रफल कितना है, 154 है। अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो इस वाले छाया के भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, चलिएगा चलिए चल रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ छाया भाग का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि वृत्त, मैंने ये बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 196 है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब माइनस करेंगे किसको, माइनस करोगे 154 को, यहां पर माइनस कर लीजिएगा, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। अब इन दोनों को जब माइनस करोगे कितना आएगा, 42 आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का उत्तर होगा कितना होगा, 42 सेंटीमीटर। तो कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये चार वृत्त बनाए गए थे दोस्तों, चार वृत्त बनाए गए थे,
पूरे व्रत का कोई काम नहीं था, हमने उसको मिटा दिया है समझाने के लिए कि अगर मैं इस सबको अगर मिटा दूंगा तो मेरे पास देख रहा हूँ कि वर्ग के अंदर चार चतुर्थांश है, वर्ग के अंदर चार चतुर्थांश है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा तो दिया हुआ है लेकिन चार चतुर्थांश क्षेत्रफल जो चार चतुर्थांश है आपका, ठीक है, उसका मिला वृत्त तैयार होगा। वृत्त के लिए हमें रेडियस चाहिए होगा, तो उस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब आप किसी का जब आप एक पॉइंट से वृत्त तैयार करोगे तो जो एक भुजा होगी वो दो बराबर भागों में तोड़ देगी, तो 14 को 7-7 बांटोगे जो 7 सेंटीमीटर होगा वो क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, छाया के भाग का क्षेत्रफल निकालना है, टोटल में से इसका माइनस कर दोगे 42 सेंटीमीटर जो आ जाएगा ये क्या होगा, छाया के भाग का क्षेत्रफल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आएगा और आप इसको नोट करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी करते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपकी बोर्ड पे मैंने नोट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है एक बार हम लोग रीड करते हैं। आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती, जो भी आकृति आपका दिया हुआ है ये दौड़ने का एक रास्ता है, ठीक है, जिसके बाएं और दाएं से अर्धवृत्ताकार है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये वाला हिस्सा चित्र सही नहीं मिल पाया दोस्तों, लेकिन ये जो आप कहीं हिस्सा देख रहे हो ये क्या है, अर्धवृत्त है, और ये क्या है, ये भी अर्धवृत्त है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के रेखाखंडों के बीच की दूरी है, ठीक है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड लंबा है, यदि यह पथ चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। दो चीजें हमें ज्ञात करनी है, एक पथ के आंतरिक किनारों का नीचे से एक पूरा चक्कर लगाने के चलिए गए दूरी ज्ञात करनी है, और एक पथ का रास्ता ज्ञात करना है, सॉरी पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब हम लोग देखिएगा, ये आपको जो देख रहे हो इसको मैं डार्क कर दूं दोस्तों, ये सॉरी इस तरह का ये क्या रास्ता है, ये आपकी सड़क है, इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक दोस्तों, इसी का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता बनाया गया है इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ये याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिखा था लेकिन डार्क किया है ब्लू पेन से तो मिट गया है। मतलब सड़क का जो रास्ता है जिसकी चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर है, इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। दो चीज निकालनी है, पहला चली गई दूरी बताइए, दूसरा पथ का क्षेत्रफल बताइए। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा, मैं इसको रफली बना लेता हूँ, पहले आपको समझाता हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये आपका दो समांतर रखाए हैं, ठीक है, 10 सेंटीमीटर नीचे आएंगे तो देखेंगे एक समांतर रखा है, ये खींच दीजिए दोस्तों, और 10 सेंटीमीटर यहाँ, भाई रास्ता इतना 10 सेंटीमीटर है तो इधर भी क्या होगा, माप बराबर होगी, 10 सेंटीमीटर का एक भी रास्ता बना दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से मैंने क्या क्या एक ऐसे कर दिया, इसको समझाएंगे दोस्तों, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर, ठीक है, अब देखिएगा, चलिए इसको थोड़ा सा, चलिएगा ऐसा कर दिया। अब देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किया गया है, मतलब इन पूरे लाइन की यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होगी वो कितना दिया हुआ है दोस्तों, 80 सेंटीमीटर दिया है, 80 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, चलिएगा ये 80 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इधर भी 80 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 116 दिया हुआ, मतलब यहाँ से जब आप चलोगे, सॉरी 106 दिया हुआ है, जब यहाँ से यहाँ तक चलोगे कितना दिया है, 106 दिया है। तो दोस्तों अगर 106 है ये भी है दोस्तों, ये भी क्या हो जाएगा, 106 ही हो जाएगा, ठीक दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, पहले आप समझ लीजिएगा, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिएगा इनके बीच की जो सड़क की चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है दोस्तों, ये भी तो 10 सेंटीमीटर, भाई 10 सेंटीमीटर ये भी होगा, ठीक है, इधर भी 10 सेंटीमीटर होगा, मतलब जो सड़क बनाया गया है वो 10 सेंटीमीटर चौड़ाई में ही बनाया गया है। तो सब क्या होंगे, मतलब यहाँ से लेकर पूरा ये सड़क क्या होगा, इसकी जितनी भी चौड़ाई होगी बराबर होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी, यहाँ तक क्लियर है, चलिएगा यहाँ तक क्लियर है आपको, चलिए चलिएगा तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, अगर मैं आपसे एक चीज बोलू, अगर मुझे रेडमेंट का सहारा ले लू, कंफ्यूज हो जाएगा, अगर मैं आपसे बोलू कि इस पॉइंट से
इस पॉइंट तक की दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों टोटल कितनी थी? 80 थी। ऊपर आप ऊपर यहां से यहां तक कितना बना लियो? 10 बना लियो। नीचे यहां से यहां तक कितना बना लियो? 10 बना लियो। तो टोटल हम कितना बना चुके हैं? 20 बना चुके हैं। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगी दोस्तों? 20 बना लियो तो 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? इतनी बात आपको समझ आ गई है? इतनी बात समझ आ गई। इसी प्रकार ए बी आपका यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा आपका। ये 60 सेंटीमीटर है, ये 60 सेंटीमीटर है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। ये आप साइड में रफ की तरह कर सकते हो, अब दिक्कत नहीं होगी हमें किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने पर। अब चलिए पहला निकालते हैं। ये आप इसको लिखा रह दीजिएगा। अब निकालते हैं पथ के पहला पॉइंट। निकालो यहाँ पे पहला पॉइंट, यहाँ पर निकालो। निकालना क्या है? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ठीक है, दूरी। अब दोस्तों अगर मैं इस रोड पे रनिंग करने जाऊं तो मैं अगर यहां से रनिंग करना स्टार्ट करता हूं तो दौड़ते दौड़ते यहां तक आऊंगा, फिर मुड़ते हुए फिर क्या होगा? यहां से दौड़ूंगा और क्या करूंगा? यहां पे आ जाऊंगा। तो यही पूरी दूरी बतानी है। तो देखिएगा इसमें काउंट क्या क्या हो रहा है। अगर मैं यहां से दौड़ा दोस्तों, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। बात समझ रहे हो दोस्तों? इस पॉइंट तक दूरी कितनी जाएगी मेरी? 106 हो जाएगी। चलिए ठीक है। प्लस अब क्या होगा? जो मैदान है घुमावदार है, मतलब यहाँ से घूमोगे तो ये जो आप घूम रहे हो ये क्या है? ये वृत्ताकार है, वो भी अर्ध वृत्ताकार है। क्वेश्चन में बोला गया और हमको दिख भी रहा है कि ये वृत्त का आधा भाग ही है। तो अर्ध वृत्ताकार की हम क्या निकालेंगे? दूरी निकालने का मतलब आपको बताया था कि जब कोई आदमी एक वृत्त में एक चक्कर पूरा करता है तो कितना दूरी तय करता है? अपने पारधि के बराबर तय करता है, 2πr तय करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? अर्ध वृत्ताकार है तो 1/2 × 2πr हो जाएगा। बात समझे दोस्तों? बात समझिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर प्लस करेंगे, फिर यहां से यहां तक कितना दूरी तय किए? 1/2 2πr तय किए, राइट। 1/2 क्यों हो गया? क्योंकि ये अर्ध वृत्ताकार है, वृत्त का आधा हिस्सा है। वृत्त का पूरा हिस्सा में दूरी तय करोगे तो 2πr रहेगा, आधे में करोगे तो 1/2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर आ गया? अब यहां से यहां तक जब दौड़ोगे तो कितना चलोगे? 106 चलोगे। ठीक है, फिर प्लस का, फिर यहां से दोस्तों यहां तक ट्रेवल करोगे कितना आएगा? मतलब आपको ये अर्ध वृत्ताकार दूरी करनी होगी तो उसकी परिधि के बराबर होती है। तो परिधि कितनी होती है? 1/2 2πr होती है। ये हो गई पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर यहां से आ जाएगा। ये बात सुनना भी। अब दो से ये दो काट दो, 106 और 106, 212 हो जाएगा। यहां तक क्लियर? 106 में 106 जोड़ेंगे 212। अब यहां पर पाई की वैल्यू क्या बोला गया कि देने को 22/7 और आर की वैल्यू, अब समझिएगा आर की वैल्यू हमें यहां पर रखना है। क्या रखना है? आर की वैल्यू। तो देखिएगा दोस्तों, ये आपका क्या है? ये अर्धवृत्ताकार है, मैं अलग से बना लेता हूँ दोस्तों, अलग से मैंने ये बना लिया। ये क्या है? अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार में यहां से यहां तक की दूरी कितनी है दोस्तों? 60 सेंटीमीटर है। अब अगर अर्धवृत्ताकार होगा तो इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर मान लिए। तो दोस्तों ये 60 सेंटीमीटर अर्धवृत्ताकार में क्या है? तो बोलोगे कि सर ये अर्धवृत्ताकार में व्यास है। क्या है ये? व्यास है। तो व्यास जो होती है त्रिज्या की, क्या होती है? यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, जो व्यास होगी वो आधी हो जाएगी त्रिज्या की, जो व्यास होगी वो आधी हो जाएगी त्रिज्या की। 60 सेंटीमीटर की है तो 30 सेंटीमीटर क्या जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर 22/7 × 30 रख देंगे। ठीक है, फिर प्लस का, 202 काट देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, भाई अगर ये 60 है तो ये त्रिज्या कितनी हो गई? 30 हो गई। ये भी तो 60 है तो त्रिज्या कितनी लगेगी? 30 हो जाएगी।
तो इसे यहाँ पर भी रख देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, चलिए 212 इसको लिखो। अब एक काम करते हैं, इन दोनों में चाहे तो आप इन दोनों गुणा कर लो, या फिर आप देखो कि ये पूरा भाग सेम है और ये पूरा भाग सेम है, तो ये कितनी बार लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा, तो बोलो तो सर ये दो बार लिखा, तो 2×22/7 × 30 ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखा हो और प्लस एक्स लिखा हो तो क्या लिखते हो, 2x ही तो लिखते हो, लिखते हो ना, वैसे मैं यहाँ पर भी लिख दिया हूँ, ठीक है। अब आगे देखिएगा, 212 प्लस का, अब हम लोग क्या करेंगे, 30 का डबल 60 होता है, 60 मतलब 22×6 कर दो, 22×6 × 6 × 12 132 आएगा, और 0 लगा दो एक, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, 0 को यहाँ पर हटा दिया, 3×6 हो गया, 6 और 22 का गुणा किया तो 132 आ गया, 0 मैंने सिर्फ दिमाग से हटाया था ना, तो हम 0 उसको ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 1320/7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा, तो बोलो तो सर यहाँ पे 7 आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 212×7 फिर प्लस का 3×1320/1 यहाँ तक क्लियर हो गया, और आप लोग को दिख भी रहा है, चलिएगा अब नीचे और लिखूंगा, नहीं आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर मिटा दिया है, ये चित्र बहुत अनिवार्य है, इसको बना लीजिएगा, जैसे जैसे हम बनाएंगे चित्र को, इसको भी आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक बात समझा दी। अब देखिएगा, अब इसको यहाँ पर उतारते हैं, 212 को 7 से गुणा कर दो, तो 7×2=14, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 1 कैरी हो गया, ठीक है, 7×7 = 1, 8 लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कोई कैरी नहीं है, 7×2=14, तो 14 लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। प्लस का कितना लिखेंगे, 1 से गुणा होगा 1320 ही आएगा, / 7, ठीक है, 4 में 0 ऐड करोगे तो 4 आएगा, 8 में 2 ऐड करोगे तो 10 आएगा, वहां से लगा 1, 4×3=7, 1×8 आ जाएगा, कोई कैरी नहीं है, 2 आएगा, / 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 से भाग भी कर सकते हो आप, ठीक है, तो पॉइंट में आएगा, लेकिन मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो इस पथ पे, इस रास्ते पे चली गई दूरी कितनी जाएगी, 2804/7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब एक चीज आपको बता रहे हैं कि ये चीज डाउट होगा सर, यहाँ पर जो अर्धवृत्त लिए हैं, जो त्रिज्या लिए 30 क्यों लिए हैं, जबकि सर पूरा तो 80 दिया हुआ है, 40 क्यों नहीं लिए हैं, ये आपके दिमाग में बात आएगी। अच्छा ठीक है दोस्तों, ये आपकी एक रोड है, ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, रोड है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा, ये रोड है और नीचे भी आपका ये रोड है, ये पूरा, और इस वाले भाग में क्या है, ठीक है, ये देखिए ये पूरा रोड है, तो हम इसलिए लिए हैं, जब भी देखिएगा इस पॉइंट भाई पूरे में से अगर आप भाई पूरा लोगे 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा हमारा रोड यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये वाले भाग का इस वाली ये दूरी तय करेंगे ना, ये दूरी तय करेंगे, तो इसका जो रेडियस जो हम लोग यहाँ पर सर्कल बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा, तो इसका इसको दूरी तय करेंगे भाई, यहाँ चले यहाँ पर आ गया तो दूरी ये तय करेंगे, ठीक है। तो दूरी हम इसका निकाल रहे हैं, अंदर वाले का निकाल रहे हैं, जितना अंदर वाला ही होगा उतने बाहर वाली दूरी हो जाएगी, ठीक है, दूरी बढ़ती हो जाएगी, क्योंकि डायमेंशन मतलब जो माप है वो तो बराबर ही है, तो अंदर वाले की हमने दूरी निकाल लिया है, वही दूरी आपको पूछी गई है, ठीक दोस्तों, इसलिए हमने अंदर वाले वृत्त की बात करी है, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया भाई, यहाँ से यहाँ पूरा चलोगे ये देखो, तो जितना बाहर की दूरी होगी भाई उतना अंदर की दूरी होगी, आपकी दूरी बराबर रहेगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिएगा इसको नोट करिए, हटा दो इसको नोट करिए, फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग दूसरा पार्ट निकालते हैं, दूसरा पार्ट हमें निकालना है पथ का क्षेत्रफल, पथ मतलब रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले इसको भी समझेंगे करना क्या है यहाँ पर और क्या पूछ रहा है। पहले मैं चित्र बनाता हूँ दोस्तों, ठीक है, फिर एक बार बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये आपकी एक लाइन है रेखाखंड, एक ही रेखाखंड, ये दोनों समांतर है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से एक अंदर से मैंने ये लाइन बना दिया है, एक अंदर से ये लाइन बना दिया है, ये आपकी एक सड़क हो गई, ये आपकी एक सड़क हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब ये सड़क का जो पॉइंट आएगा घुमावदार आएगा,
मैंने इसको घुमा दिया, इसी तरह ए भी घूम जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसी यहीं पे इसी प्रकार ए भी हो जाएगा, ए भी घूम जाएगा और ए भी घूम जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैंने आपसे कहा था कि इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है कितना है, 106 सेंटीमीटर है, राइट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी 106 ही होगी। इसी प्रकार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो, ठीक दोस्तों, क्योंकि ये दोनों क्या है, आयताकार, समझ लो आप, इसकी लंबाई लंबाई बराबर होगी, इसकी चौड़ाई चौड़ाई बराबर होगी, ये भी आप समझ सकते हो आयताकार। ठीक है, यहाँ तक 106 सेंटीमीटर भी होगी, तो अंदर भी क्या होगा, 106 होगा। यहाँ तक क्लियर। अब इस पूरे की चौड़ाई दी हुई थी, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया था 80 सेंटीमीटर, तो इधर भी कितनी थी, 80 सेंटीमीटर थी। ठीक है, बाहर की बात कर रहा हूँ, 80 सेंटीमीटर थी। एक चीज आप देख रहे हो ध्यान से, एक चीज आप देख रहे हो कि जो इसकी लंबाई बाहर वाले हिस्से की है, वही क्या है, अंदर वाले हिस्से की है। ये बात क्लियर है, बिल्कुल होगी भाई। यहाँ ध्यान तक जो लंबाई होगी, वही लंबाई क्या होगी, यहाँ पर बराबर लंबाई दिख रही है, तो ये सूचे ए भी होगी। ठीक, मैं लिख देता हूँ, इस सूचे समझना पड़ेगा वो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, 106 होगा। ठीक है, ये बात समझना भाई। लेकिन जब हम चौड़ाई में आएंगे, यहाँ वाली पॉइंट से यहाँ वाली पॉइंट की जो चौड़ाई होगी 80 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ की जो पॉइंट होगी 80 नहीं होगी। अब देख रहे हो कि ये छोटा हो गया, ठीक है, ये इसका क्या होगा, छोटा हो गया। कितनी होगी, हमने बताया था 60 होगी, क्योंकि जब इनके इस ये जो सड़क बना हुआ है, ये जो अब सड़क बना हुआ है आपका, सड़क की चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर ऊपर से कम कर दो, 10 सेंटीमीटर क्या करो, नीचे से कम कर दो, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर जी 80 में 20 घटाओ कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब कि ए भी 60 सेंटीमीटर होगा, 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, ए भी 60 होगा। अब हमसे बोल रहे हैं पथ का क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिए किसका पूछ रहा है, मतलब ये रास्ते का क्षेत्रफल, ये ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये बात समझना कि इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर पथ का क्षेत्रफल लिखा है, सबसे पहले क्या करो, मैं यहां से मार्क कर दूं, ये क्या है बताओ, आयताकार है दोस्तों, मैंने लाइन टेढ़ी जा रही है, आप समझो मेरी बात को, ये क्या आयताकार है, बात समझना भी, मैंने ये डबल मार्क कर दिया दोस्तों, आयताकार है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, तो ए बी डी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। और ए बी सी डी है क्या, आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो कितना जाएगा, लंबाई कितनी है, 106 है, चौड़ाई कितनी जाएगी, इसकी चौड़ाई कितनी जाएगी, 80 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ए बी सी डी की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले आयत की बात कर रहा हूँ, तो कितनी होगी, 106 इंटू 80 हो जाएगी। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो यहाँ पर लास्ट जीरो ऐसे रहेगा, 8 × 48, ठीक है, और 8 × 8 कितना आ गया, 8480 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई। ये तो हो गई ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ब्लैक पेन आपका, चलिए अब मैं इस वाले पॉइंट पे जाऊंगा और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे जाएंगे इसका। अब देखो ये वाला इस तक क्या बन रहा है, ये भी तो आयत बन रहा है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको आप मान लो ई एफ जी एच, ये मान लो, तो यहाँ लिखो ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, बात समझ में आ गया, लिख लिया आपने, बिल्कुल लिख लिया। अब यहाँ पर ई एफ जी एच है क्या, तो बोलोगे सर आयत है, ये भी आयत है, जिसकी लंबाई लंबाई बराबर है, जिसकी चौड़ाई चौड़ाई बराबर है, तो ये आयत है, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। लंबाई कितनी है, लंबाई में कोई फर्क पड़ा, 106 ऊपर भी था तो 106 नीचे भी है, तो 106, लेकिन चौड़ाई में फर्क पड़ गया, चौड़ाई कितनी थी, 80 थी, ये कितनी है, 60 है, तो 60 लिखेंगे, तो कितनी जाएगी दोस्तों बताओ मुझे, 0 तो 0 ही आ जाएगा, तो 6 × 36 होगा दोस्तों, और 6 कम 6 तो 6360 सेंटीमीटर स्क्वायर
ये हो जाएंगी छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखो बड़ा कितना था, 8480 था, छोटा कितना है 6360 है। अगर बड़े मत से छोटा माइनस कर देंगे तो बताओ क्या ये वाली एरिया आएगा, क्या इसका एरिया आएगा। देखो इतना और प्लस इतना बिल्कुल आएगा सर, बड़े वाले से छोटा वाला आयत माइनस करोगे तो इतना एरिया आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे पथ का भी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, ताकि आपको समझ आपको तो अभी जो निकाले हो सिर्फ इतना और इतना ही तो क्षेत्रफल निकाले हो, अभी इतना ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल अभी बाकी है। तो ये पथ का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, पथ वन बोल दो इसको, पथ वन का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल मतलब पहले वाले पथ का क्षेत्रफल बोल सकते हो। ठीक है, तो कितना आएगा 8480 माइनस का 6360, जीरो से जीरो माइनस हो गया, आठ में से छः माइनस करो कितना आएगा दोस्तों, आठ में से छः माइनस करोगे दो आएगा, चार में से तीन माइनस करोगे तो एक आएगा, और यहाँ पर क्या होगा आठ में से छः माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, आठ में से छः माइनस करोगे दो आ जाएगा। तो ये आपका आ गया है, अब यहाँ पर इसको इक्वेशन एक मान लीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया तो मैं इसको आप नोट करो, ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको मिटाऊंगा, चलिएगा इसको मिटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक वो आप क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, अब इधर वाला हिस्सा, ठीक है, मैं यहाँ पर देखो मैं तोड़ के लिखता हूँ, तोड़ ये देखो इस तरह आ गया। ठीक है, ये आ गया, मतलब ये सब मैंने तोड़ दिया, ये क्या था बी था और नीचे वाला क्या था ए था, और ये क्या है आपका एफ है और ये क्या है ई है, समझिएगा ये आ गया। ठीक है, मैं इसको मैं मिला देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब आपको पता है कि 80 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या है, आपको पता है कि 60 सेंटीमीटर है, राइट। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है, चलिएगा। ठीक है, अब बात समझ आ गई है। अब देखिएगा, आप अगर बात करूं यहाँ पर अगर कोई पॉइंट रख दूं, ठीक है, तो ये पूरा देख रहे हो आप क्या है, ये पूरा सब बड़ा वाला, तो बोलोगे सर जी ये जो है ये आपका क्या है, अर्धवृत्त है। क्या है, अर्धवृत्त है, बिल्कुल अर्धवृत्त है, ये क्या है अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटे दो पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटे दो पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक केंद्र मान लेते हैं सेंटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। तो कितना आएगा, बड़े वाले का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एक बटे दो होगा और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। एक बटे दो पाई की वैल्यू तो आपको 2/7 रखना है, अब आर की वैल्यू कैसे रखेंगे, बड़ा वाला क्षेत्रफल बड़ा वाला अर्धवृत्त क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ये जो जिसकी व्यास कितनी होगी, ए बी होगी, तो यहाँ पर व्यास हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी जाएगी, तो 40 80 का आधा 40 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला ये वाला व्रत लेंगे, ये वाला अर्धव्रत लेंगे, व्रत नहीं अर्धव्रत लेंगे ये वाला। ठीक है, कितना छोटा वाला अर्धव्रत का यहाँ पे लिखेंगे, छोटे वाले अर्ध व्रत का क्षेत्रफल तो कितना होगा दोस्तों, बताओ, एक बटे दो आई की वैल्यू 2/7, आर की वैल्यू, अब आर की वैल्यू भाई ये तो पूरा आपका तो चलो ठीक है 40 था 80 का था, लेकिन ये पूरा कितना है 60 है दोस्तों, तो ये कितना होगा 30 होगा। ठीक है, आधा कर देंगे क्योंकि 60 जो होगा इसका व्यास होगा, त्रिज्या कितनी जाएगी 30 हो जाएगी, तो 30 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 30 का स्क्वायर लेंगे। अब देखिएगा पूरा कितना आया हुआ है क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल कितना आया हुआ है ये, और अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है, अगर पूरे में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे तो क्या ये वाला रास्ता निकल आएगा, ये वाला पथ का क्षेत्रफल निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल बराबर पूरा कितना है 1/2 2/7 है मल्टीप्लाई 40 का स्क्वायर माइनस का 1/2 2/7 मल्टीप्लाई 30 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे 1/2 और
बाइपोटेन्यूज का कॉमन हो रहा है, तो 40 का स्क्वायर माइनस का 30 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात सुनना गई। अब देखिएगा, चाहे तो आप 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर ओपन कर दो, चाहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या आएगा, 1/2 22/7 माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार ए माइनस बी लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो कितना आएगा, 22/7 × 14 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 40 में 30 जोड़ोगे कितना आएगा, 70 आएगा, 70 लिख दिया मैंने। और यहाँ पे 40 में 30 माइनस करो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो अब इसको ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 70 × 10 आ गया, 14 से कट जाएगा, 14 × 14 = 70। ठीक है, कट गया 5×20, ठीक है कट गया। अब कितना आएगा, 22 बचेगा और 5×10 = 50 बचा है। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5×10 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों, इधर वाले का हमने कितना निकाला, 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है दोस्तों। अब बताइए, आप बताइए, देखिए आपका ये रास्ता का एरिया आ गया था, मतलब जो ब्लैक पंच काउंट किया है कितना आया था, 2120 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। और ये मैंने तो यहाँ पर ब्लैक से काउंट कर दिया, इसका भी रास्ता कितना, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना कितना है, 1100 आया है। तो ये आ गया, ये आ गया। अब बचा क्या है, ये इतना हिस्सा बचा है। तो दोस्तों जरा ये बताओ आप मुझे कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, क्योंकि जो इसका मेजरमेंट है, जो इसकी माप है, वही माप क्या है, इसकी भी है। बिल्कुल, अगर मैं बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालूं तो बड़े वाले का क्षेत्रफल जो आया हुआ है वही यहाँ पर आएगा। मतलब हम कहने मतलब कि आपने 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकाले, उस सड़क का इधर वाले सड़क का एरिया कितना है, 1100 है। तो क्या इस वाले सड़क का एरिया 1100 हो जाएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये भी 1100 हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, ये भी 1100 हो जाएगा। ठीक है, जैसा जैसा यहाँ करोगे वैसा वैसा यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो लास्ट में 1100 ही आएगा। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर लिखते हैं कुल, हमने तोड़ के निकाला था, तीन हिस्से में निकाला है, पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये था, तीसरा हिस्सा मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है। आप करना चाहेंगे तो आप ऐसे कर भी सकते हैं दोस्तों, 1100 ही आएगा, क्योंकि सब दोनों की माप क्या है भाई, ऊपर 80 तो नीचे 40 हो जाएगा रेडियस, तो यही निकलेगा। पाइप की वैल्यू भी यहाँ पर सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ नीचे वाले सर्कल में 60 है तो रेडियस कितनी 31 हो जाएगी, मतलब सब वही निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर कुल पथ का क्षेत्रफल, कुल पथ का क्षेत्रफल तो कितना आएगा, तो भाई पहला कितना निकाला आपने, 2120 निकाला है, 2120। फिर दूसरा कितना निकाला, 1100 निकाला है दोस्तों। फिर कितना निकाला, 1100 निकाला है। तो ये आप जब काउंट करके लिख दोगे यही आपका आंसर होगा, 2120 यहाँ पर है दोस्तों, प्लस का 11 × 22 तो यहाँ पे हो जाएगा। तो मुझे बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 में से 00 तो 20 आएगा, 22 और 21 को जोड़ो कितना आएगा, 43 43 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो दोस्तों कितना आ गया, 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सड़क का क्षेत्रफल आ गया है। तो इस क्वेश्चन का दोनों आंसर हमने यहां पर आपको समझाकर निकाल दिए हैं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इस क्वेश्चन को पूरा देखिएगा दोस्तों। और हाँ, जाते जाते एक बात आप कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, क्योंकि क्लास अब कंटिन्यू होने चालू होगी और देखने की पार 13 पे हम लोग पहुँच गए हैं, और ये लास्ट एक्सरसाइज भी है। ये एक्सरसाइज जैसे ही कंप्लीट होता है हम उसको एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे, सारे एग्जाम्पल्स भी कराएंगे। तो हम यही आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसको जरूर सपोर्ट करिए अपने चैनल को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से मैं इसको नोट करता हूँ, पढ़ाता हूँ, पूरी गर्मी में देखिए आप, ऊपर से पूरा स्टाइल भी गीला हो गया है, पसीना भी आ गया दोस्तों। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए कल हम लोग मिलते हैं, नमस्कार।